आज हम बात करने वाले हैं कि पतले लोगों को मोटे लोगों की तुलना में ज़्यादा ठंड क्यों लगती है। देखिए, अक्सर सर्दियों के मौसम में पतले लोगों को मोटे लोगों की तुलना में ज़्यादा ठंड लगती है। देखिए, जब हमारे शरीर का तापमान कम होता है, यानी कि हमारे शरीर से उष्णता बाहर निकलने लगती है और हमारा शरीर ठंडा पड़ने लगता है, तब हमें ठंड लगती है। देखिए, हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के टिश्यूज होते हैं, यानी कि मांसतंतु होते हैं। हमारे स्किन के अंदर एडिपोज नाम के टिश्यूज होते हैं और इन टिश्यूज़ में चर्बी होती है, साथ ही ये टिश्यूज़ उष्णता रोधक का काम करते हैं। देखिए, इन टिश्यूज़ की वजह से हमारा शरीर का एक प्रकार का प्रोटेक्शन होता है। देखिए, मोटे लोगों के स्किन के अंदर ये एडिपोज टिश्यूज़ की जो परत होती है काफ़ी बड़ी होती है, और जिसके वजह से बाहर का मौसम ठंडा होने के बावजूद भी उनके शरीर से उष्णता आसानी से बाहर नहीं जा पाती है। उनका शरीर आसानी से ठंडा नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से उनको ठंड नहीं लगती है। लेकिन पतले लोगों के स्किन के अंदर एडिपोज टिश्यूज की जो लेयर होती है, जो परत होती है, वो काफ़ी पतली होती है और जिसकी वजह से बाहर का मौसम ठंडा होने से उनके शरीर से जो हीट होती है वो आसानी से बाहर निकलने लगती है और उनका शरीर ठंडा पड़ने लगता है और उनको ठंड लगती है। तो आपको पता चला होगा कि पतले लोगों को मोटे लोगों की तुलना में ज़्यादा ठंड क्यों लगती है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इसमें आपको जरूर कुछ नया ज्ञान मिला होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए नॉलेजेबल वीडियोज आपके लिए रोजाना लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।